तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग का सूर्या टेक्निकल चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे बिहार आईटीआई काउंसलिंग में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, पूरी जानकारी हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं। ठीक है, हर एक स्टेप्स को सॉलो कीजिए, उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत आती है कमेंट के माध्यम से देखिए। सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, हर एक अपडेट हम आईटीआई से एडमिशन तक पूरा अपडेट देते रहेंगे। ठीक है, आपको काउंसलिंग के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट, वो हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लग रहा है। देखिए आईटीआई का यहाँ पे सबसे अपडेट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। टुडे आज के डेट में लिखा हुआ है कि बिहार आईटीआई 2023 काउंसलिंग में लगने वाला मुख्य दस्तावेज, यानी कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है काउंसलिंग के समय, वो भी हम जानकारी इस वीडियो में देते हैं। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट नंबर पर आपको लगेगा बिहार आईटीआई का एडमिट कार्ड। ठीक है, आपने जो एग्ज़ाम दिया है उसका एडमिट कार्ड लगेगा बिहार आईटीआई का। दूसरे नंबर पर लगेगा रैंक कार्ड, यानी कि आपने रैंक कार्ड जो डाउनलोड किया है उसको डिस्ट्रिक्ट वाइज डाउनलोड कर लेना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, रैंक कार्ड का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज डाउनलोड करना है। ठीक है, दो नंबर हो गया। तीसरा नंबर पॉइंट रहता है आवेदन फॉर्म पार्ट ए एंड पार्ट बी, यानी कि जो अप्लीकेशन फॉर आवेदन करते समय आपने फॉर्म फिल किया था बिहार आईटीआई में, वो आपको फॉर्म लगेगा। ठीक है, उसके बाद और कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, उसको भी थोड़ा हम रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, अगर ये सब फिल करने के बाद आपको ट्रेड लिस्ट आएगा, यानी कि आपको कौन सा ट्रेड आपको चूज करना पड़ता है वहाँ पे काउंसलिंग के समय, कि हम कौन सा ट्रेड लेंगे, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, बहुत सारा ट्रेड उसमें ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो आपको ट्रेड का भी चुनाव करने को मिलेगा उसमें। उसके बाद आएगा कॉलेज का नाम, कि आप कौन सा कॉलेज में आप लेना चाहते हैं। आपको ज़्यादातर होम डिस्ट्रिक्ट में ही देगा, क्योंकि जिसका जोन स्टेट यानी कि डिस्ट्रिक्ट से अगर आप फॉर्म फिल करते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा देने का चांसेज है। ठीक है, उसके बाद आपको कोई अपडेट आता है तो हम चैनल के माध्यम से देंगे। और काउंसलिंग के बाद एडमिशन में जो जो डॉक्यूमेंट लगेगा उस सब का वीडियो हम नेक्स्ट में लेकर के आएंगे, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ले और डॉक्यूमेंट भी बताएंगे कौन कौन सब रेडी रखना है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो काउंसलिंग से रिलेटेड रहेगा, एडमिशन तक प्रोसेस।